दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं करनी है बात। दीदी प्लीज एक बार जाओ यहाँ से अभिराम मुझे काम है। दीदी प्लीज एक बार सुन तो लो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे नहीं करनी है ना। दीदी प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं रात को होश में नहीं था और मैं कभी चाहता नहीं कि मैं आपको हर्ट करूं। दी प्लीज एक बार सुन लो। दी मैं रात को बिल्कुल भी होश में नहीं था। आपको लगता है कि मैं जानबूझ के ऐसा करूंगा। दी मैं जानता हूं आप मुझे लेकर कितना परेशान हो पर मैं कभी चाहता नहीं था कि आपको। दी मैं बहुत हिम्मत करके किसी तरह आपसे बात करने आया। प्लीज समझने की कोशिश करो। आप गुस्सा रहोगे तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगा। दी प्लीज मुझे माफ कर दो। किस चीज के लिए आए हो? मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। दी प्लीज मुझे माफ कर दो। दी क्यों 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 माफी मांग रहे हो? दी मुझे पता है सारी चीजें आपने करी मुझे संभाला। मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए कभी। दी आप ही कुछ भी नहीं किया। कल तुमने सब साफ कर दिया। अभी ना फालतू का मत जताओ अभी बैठ के। दी एक बार सुन तो लो। तब सोचना चाहिए था ना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। जितनी तुम्हारी पढ़ाई करी अपना जाके अगर अलग भी रहना तो रह लो। दी ऐसा मत बोलो प्लीज मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अरे ये सब ड्रामा नहीं है। अब दी रात भर तमाशा मैंने देख लिया। असलियत आ गई सामने। दी ड्रामा नहीं है आप समझने की कोशिश करो। मुझे बहुत काम है अभिनव डिस्टर्ब मत करो। दी उन लोगों ने मुझे जानबूझकर पिला दिया था। जानबूझकर पिला? तुम बच्चे हो क्या अभिनव? दी मैं कुछ दिन से बहुत ज्यादा परेशान रह रहा हूँ। मुझे तो फालतू क्यों बोला रात में कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया। दी मुझे पता नहीं लगा मैंने पहली बार पी थी मेरे ऊपर चढ़ गया था मेरे सर पे क्या हो रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सच बताओ तो मुझे आधी चीजें याद भी नहीं रात को क्या हुआ है। अभी ना वो तुम्हारी गलती है। दी इन सब चीजों से आप ही मुझे बाहर निकाल सकते हो। मैं फिर से फंसना नहीं चाहता प्लीज। दी आपने हमेशा मुझे संभाला मुझे बचाया इन चीजों से। एक बार और सुन लो प्लीज। क्या बचाऊं मैं क्या बोलूं? जब से माँ बाप की डेथ हुई है मैंने ही तुम्हें संभाला है। मैंने अपनी चीजें छोड़ के अभी ना तुम्हें देखा है। मुझे मैंने शादी नहीं किया अभी ना। मुझे सारी कि हम दोनों साथ रहेंगे। तुम छोटे थे कितने और तुम्हारी बीकॉम की पढ़ाई भी बेकार चल रही है और अब तुम दारू में भी पड़ गए। दीप मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ कुछ दिन से। तो आओ ना बैठो बात करो। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी आपसे बात। तो कल कैसे हिम्मत पड़ गई इतने पीने के बाद? दीदी शायद इतने दिनों का फ्रस्ट्रेशन था कि मैं आपसे बात ही नहीं कर पा रहा। तो मेरे पे क्यों निकाला? और ये क्या तरीका है? ये सब बहाने हैं। प्लीज प्लीज एक आखिरी बार मुझे माफ कर दो। अगले बार से मैं ऐसी चीजें नहीं करूंगा पक्का। अगर अभी ना तुम डिस्टर्ब हो सकते हो मैं भी हो सकती हूँ। मैं समझ रहा हूँ। मेरी रात को 9 बजे तक ड्यूटी होती है। मैं काम करती हूँ कि जिससे हम अपना खुशी खुशी रहे। मेरे को भी टेंशन होती है। हॉस्पिटल में आया दिन पेशेंट्स मरते हैं। मैं उनको देखती हूँ। मैं सारी बातें समझ रहा हूँ। मैं पक्का अगले बार से कुछ ऐसा नहीं करूंगा। एक चांस लास्ट चांस मुझे दे दो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा। प्लीज मैं पता है मम्मी पापा के पास सिर्फ आप ही हो मेरे पास और आपने भी अगर ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊंगा। प्लीज दीदी एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। क्यों माफ करूं बिना? दी मम्मी मेरा दिल नहीं दुखता। छोड़ो यार मैं भी लेट हो रही हूँ यार। दी 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 प्लीज समझ नहीं। दी 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 बाहर जाओ अभी ना बाहर जाओ। दी शाम में बात करेंगे। अभी ना बाहर जाओ। अभी ना अभी बाहर जाओ। अभी ना मैंने कहा बाहर जाओ। शाम में बात करेंगे कह दिया ना। मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है। बाहर जाओ। मेरे मॉर्निंग राउंड शुरू हो जाएंगे। मैं लेट हो रही हूँ। अभी ना मैंने कहा बाहर जाओ। मुझे तैयार होना है। तुम्हें कुछ काम नहीं है मुझे काम है। बाहर जाओ अभी ना अभी अभी बाहर जाओ।